तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे तीसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बीटी कॉटन। तो जो हमारा कॉटन प्लांट है उन्हें इन सब पेस्ट से बहुत ज्यादा खतरा है, यानी ये बहुत सारे पेस्ट हैं जो कि कॉटन प्लांट को बर्बाद कर रहे थे, तो हमें इसे एक पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाना था। तो सक्सेसफुली जो हम बात करते हैं फर्स्ट GM क्रॉप हमने अप्रूव की थी कमर्शियल लेवल पे बनाने के लिए, वो थी बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन को हमने सक्सेसफुली एक पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन क्रॉप बनाया था और इसे अप्रूव भी किया था ताकि हम इसे कमर्शियल लेवल पर बेच सकें। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो जो बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिनजेंसिस एक ऐसा माइक्रोब है जो कि नेचुरली हमें सॉइल में मिलता है। और ये इस पेस्ट को मारता कैसे है, ये प्रोड्यूस करता है कुछ स्पेसिफिक क्रिस्टल प्रोटीन्स जिन्हें हम बोल रहे हैं बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल्स या क्रायोटॉक्सिन्स। तो अल्टीमेटली ये प्रोड्यूस कर रहा है ऐसे प्रोटीन क्रिस्टल कुछ एक स्पेसिफिक ग्रोथ फेज में अपनी, जिन्हें हम बोल रहे हैं इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। और ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन फाइनली इन पेस्ट या इंसेक्ट्स को मारने में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो बैक्टीरिया इतना खतरनाक क्राय प्रोटीन या टॉक्सिक प्रोटीन बना रहा है, तो ये टॉक्सिन बैक्टीरिया को कैसे नहीं मारता है, व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस। तो इसका आंसर आता है कि जो बीटी टॉक्सिन का प्रोटीन है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है बैक्टीरिया के अंदर यानी बैसिलस के अंदर। तो जो ये इनएक्टिव फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं प्रोटोटॉक्सिन। इसके बाद जो ये बीटी टॉक्सिन है ये किस तरीके के इंसेक्ट्स को किल करने में मदद कर रहा है, तो यहाँ पर हम कुछ अलग अलग इंसेक्ट्स या पेस्ट की बात करेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं टोबैको बर्ड वॉर्म या हम बात कर रहे हैं आर्मी वॉर्म की। तो ये जो दो पेस्ट हैं ये आते हैं एक कैटेगरी में जिन्हें हम बोलते हैं लेपिडोप्टेरेंस। दूसरा हम बात कर रहे हैं फ्लाइज और मॉस्किटो की जो आते हैं डिप्टेरेंस कैटेगरी के अंदर। और हम बात कर रहे हैं कोलियोप्टेरेंस यानी बीटल्स की। तो ये कुछ स्पेसिफिक पेस्ट हैं जिनके लिए हमें क्रॉप प्लांट को रेजिस्टेंट बनाना है और ये बीटी टॉक्सिन इनको किल करने में मदद करता है। तो बच्चों अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हाउ बीटी टॉक्सिन वर्क्स, आखिरकार ये बीटी टॉक्सिन काम कैसे करता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक लीफ को लिया बीटी क्रॉप से जैसे कि बीटी कॉटन। जब हमने इस लीफ को स्टडी किया तो जो प्लांट सेल थे इस लीफ के अंदर जो सेल थे उनके अंदर हमने क्रायोटॉक्सिन डाला हुआ था। तो यहाँ पर आपको प्लांट सेल दिखाया गया है जिसके अंदर जो आपको ये ब्लू कलर के डायमंड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्रायोटॉक्सिन्स हैं जो हमने बैसिलस थुरिनजेंसिस से लिए हैं और इस प्लांट सेल के अंदर डाले हैं। अब क्या होता है, जब इंसेक्ट इस क्रॉप को या इसकी पत्तियों को खाता है तो उसके अंदर ये टॉक्सिन चला जाता है। तो जो क्रायोटॉक्सिन्स हैं वो इंसेक्ट्स के अंदर चले जाते हैं और अल्टीमेटली वो इस पेस्ट को मारने में मदद करते हैं। तो हम बात करें जब ये क्रायोटॉक्सिन इंसेक्ट कंज्यूम करता है तो इंसेक्ट की जो गट है या जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें अल्कलाइन पीएच होता है और इस अल्कलाइन पीएच की वजह से जो इनएक्टिव टॉक्सिन है वो अब एक्टिव हो जाता है और फाइनली ये टॉक्सिन एक्टिव होकर सॉल्युबलाइज होता है इसके अंदर। और इसकी वजह से हम बात करें जो टॉक्सिन एक्टिवेट हुआ है वो आगे जाके बाइंड करता है इस इंसेक्ट गट की सेल्स के कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स से। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो इंसेक्ट की गट सेल्स हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं जिसमें ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन आकर जुड़ रहा है और बाइंड कर रहा है। इस बाइंडिंग की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो गट सेल्स हैं ये स्वेल कर जाते हैं, सूज जाते हैं और अल्टीमेटली ये फट जाते हैं यानी इनमें होता है लाइसिस। और सेल्स जैसे जैसे फटने लगते हैं वैसे वैसे इंसेक्ट की गट डैमेज होती है और अल्टीमेटली जो इंसेक्ट या पेस्ट है वो मर जाता है। तो बच्चों उस पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पर अगर वीडियो के थ्रू समझे तो यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाई गई है जिसमें हम बोल रहे हैं कि जो बीटी क्रॉप्स है वो जीन्स को यूज कर रहा है बैसिलस थुरिनजेंसिस से और जिसे हम बीटी भी बोल रहे हैं, एक कॉमन सॉइल बैक्टीरिया जो प्रोटीन टॉक्सिन्स बनाता है पेस्ट इंसेक्ट्स को मारने के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जीन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स जिन्हें हमने क्रॉप प्लांट के DNA में डाला, फिर इन्होंने प्रोटीन बनाया और स्पेसिफिक पेस्ट को मारने में मदद किया। फिर इसके बाद हम बात करें बीटी प्रोटीन काम कैसे करता है, जब पेस्ट बीटी प्लांट को खाता है
तो ये जो प्रोटीन है ये गट रिसेप्टर्स पर जुड़ जाते हैं और गट वॉल को तोड़ देते हैं, रप्चर कर देते हैं, जिससे इंसेक्ट मर जाता है। तो प्रोटीन मस्ट बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स टू वर्क। जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ऐसा कोई रिसेप्टर नहीं है, इसलिए वो अनअफेक्टेड होते हैं। तो क्लास, अब हम यहाँ पर देखेंगे जीन जो कि बीटी टॉक्सिन बना रहा है, यानी इससे बनने वाला प्रोटीन क्या है, और ये कौन से इंसेक्ट पेस्ट को टारगेट कर रहा है, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले जो जीन है उसका नाम है क्राइवन एसी जीन। इससे जो प्रोटीन बनता है उसे भी हम क्राइवन एसी ही बोलते हैं, और ये टारगेट करता है कॉटन बॉल वॉर्म को। इसी के साथ साथ जो दूसरा जीन है उसे हम बोलते हैं क्राई टू ए बी। इससे बनने वाला प्रोटीन भी कहलाया जाता है क्राई टू ए बी, और ये भी टारगेट करता है कॉटन बॉल वॉर्म को ही। इसके बाद हम बात करें तीसरा जीन जिसे हम बोल रहे हैं क्राइवन ए बी। तो जो क्राइवन ए बी है वो प्रोटीन बनाएगा क्राइवन ए बी ही, और ये टारगेट करता है कॉर्न बोरर्स को। तो ये कुछ स्पेसिफिक जीन्स थे, इनसे बनने वाला जो प्रोटीन है वो यहाँ पर दिखाया गया है, और ये किन इंसेक्ट पेस्ट को टारगेट करता है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है।